सर यू कैन स्टार्ट। ठीक, ओके, गुड आफ्टरनून। वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर ऑसिलेशन पार्ट ऑफ दिस कोर्स, एंड एज आई डिस्कस्ड स्टरडे दैट दिस इज अनदर काइंड ऑफ मोशन वेयर सर्टेन काइंड ऑफ पैटर्न ऑसिलेशन मोशन पैटर्न इज रिपीटेड विथ ए फिक्स टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज वेरी क्रूशियल हियर दैट एवरी ऑसिलेशन विल हैव वन फिक्स टाइम पीरियड वेन इट्स अर्लियर पोजिशन। अभी एक किसी पोजिशन पर पार्टिकल है तो उस एग्जैक्टली उसी टाइम टी टाइम के बाद जो टाइम पीरियड होता है उसके बाद वो उसी स्टेट को स्टेट ऑफ मोशन इज रिपीटेड। सो रिपीटेड मोशन विथ fixed time period which is called time period of oscillation as such. So just like you can see this one spring pendulum is going up and down and its oscillation, its velocity and position is varying. So you can plot those things and you will see that it is varying sinusoidally. So this is demonstration of swing pendulum oscillating to and fro from the mean position. So you can see that from this mean position, it is going up and down, it is taking the repeating with time. Okay, so if you see the entire cycle, you will see that from it starts from this point, mean point, then goes the maxima in this side, again comes to the mean point, goes to the maximum other side, then after complete time period one, so it goes to the comes to the mean point again. जहाँ से start हुआ था वहीं से उसी point पे वो retreat कर लेता है. So this is oscillatory motion and उसी को भी rotational उसको भी उसके phase angle को भी आप उसको रोटेशन के एंगल में रोटेटरी मोशन के एंगल से आप देखना चाहो तो यू कैन सी लाइक दिस। यदि वो सर्टेन पॉइंट पे एक कोई रॉड ले लो या कोई एक थिंक अबाउट ए वेक्टर जो अपने मेन पॉइंट से सर्किल में रोटेट कर रहा है तो उस सर्किल के इस पॉइंट को यदि उस परपेंडिकुलर को नीचे डालोगे तो परपेंडिकुलर विल बी ऑलवेज शोइंग द लोकेशन ऑफ एक्चुअल बॉब जो ऑसिलेट कर रहा है। So this is a way how you can think over how it is related to a rotational motion as such. So जैसे मैंने उस दिन पीछे कहा था कि every oscillation, oscillatory motion is a rotational motion, but it's not vice versa is not true. Every rotational motion is not oscillatory motion as such. So जैसे आपको ये हमने पीछे दिखाया था जो एयर ट्रैक ग्लाइडर ऑसिलेट हॉरिजॉन्टली ऑन ए स्प्रिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज, ये हमने उस दिन कल आपको ये करके दिखाया था कि कितने टाइम के बाद वो उसका रिट्रीव होता है और वेलोसिटी निकालना हो एक्सलेशन निकालना हो तो यूज सिंपल योर मैथमेटिकल मॉडल्स एंड यू कैन फाइंड आउट क्या होगा। सो जैसे द ग्लाइडर अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज, सो द पीरियड विल बी 2 सेकंड्स। द ग्लाइडर इज रिलीज से मैक्सिमा पे रिलीज हो रहा है यहाँ 12 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीनिंग कि वहां पर वो टाइम टी जीरो होगा उसका। सो 0.5 वन फोर्थ टाइम टू सेकेंड का उसका टाइम पीरियड है तो वन फोर्थ विल बी 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड के बाद वो मैक्सिमा से जीरो मीन पॉइंट पे आ जाएगा। फिर जब वो फर्दर 0.5 सेकंड के बाद विल गो अदर साइड एंड अगेन -12 उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा विल -12 अगेन 3/4 ऑफ दैट टाइम 1.5 सेकंड के बाद अगेन इट विल कम टू मीन पॉइंट एंड एग्जैक्टली 2 सेकंड के बाद फिर जिस हाइट से 12 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट था वहीं पे आ जाता है। So at 1 second the glider has complete half cycle, उसको half cycle बोलते हैं, 1/4 वालों को quarter cycle बोलोगे, so that way 3/4 cycle and full cycle as such.
सो दिस वे टू सॉल्व इट आप देखोगे कि हाफ ए सेकंड में दे गए टू द लेफ्ट टर्निंग पॉइंट, तो जब टर्निंग पॉइंट पे आ रहा है तो उस पे वहां पे क्या होना चाहिए वेलोसिटी, जब दोबारा से जिस तरफ बढ़ेगा इसका मतलब वहां पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, दिख रहा है कि कहाँ पे जीरो होगा, कहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम कहाँ होगा, यहाँ भी जीरो है तो यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, तो मैक्सिमम कहाँ होगा, यहाँ पे होगा जहाँ पे क्रॉस हो रहा है, वो मीन पॉइंट को क्रॉस हो रहा है वहाँ पे मैक्सिमम होगा। सो ऑल दिस थिंग्स जस्ट जो कहा था कि इफ यू आर ड्राइंग पुटिंग थिंग्स ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यू कैन वेरी इजिली एसेस ऑल दिस थिंग्स, वेरी इजिली यू कैन एक्सप्लेन द व्हाट इज हैपनिंग देयर। वैसे ही आपको यदि आप कहीं आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि 500 ग्राम ब्लॉक किसी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो पीछे दिखाया था रखा हुआ है और ब्लॉक को आपने पीछे खींच दिया अपनी तरफ, तो स्ट्रेच करोगे मान लो 10 सेंटीमीटर उसके बाद छोड़ देते हो उसको, तो थोड़े देर के बाद ए शॉर्ट टाइम लेटर एज द ब्लॉक पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजिशन मीन पॉइंट से, तो उसका स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, तो somebody asking what is the block period of the oscillation, what is the block's speed at the point when the spring is compressed by 5 centimeter as such, so different location पर से क्या velocity होगी, क्या चीजें होगी, you can find it out। And जैसे अभी मैंने पीछे कहा कि वो rotational या circular motion और simple अणु motion को भी आपस में correlate किया जा सकता है, जैसे आपने पीछे demonstration में देखा था कि जैसे उसकी घूम रही है, आपने एक सर्टेन पॉइंट पे किसी सर्कुलर में कोई डिस्क एक हॉलो डिस्क ले लो, उसके अंदर एक बॉल को ऐसे डाल दो और उसको इसको सर्कुलर मोशन में आप घुमा दोगे और ऊपर से एक लाइट डालो किसी टॉर्च से या किसी से लाइट को डालोगे, तो जब ये घूमेगा उस कंडीशन में आप देखोगे उसका जो शेडो है बॉल का, यू विल सी शेडो, जैसे इस पॉइंट पे इसका शेडो यहाँ आ रही है, जब ये यहाँ चली जाएगी तो उसकी शेडो यहाँ आ जाएगी, फिर जब इसके ऊपर जाएगी तो शेडो पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, फिर मतलब इस पॉइंट पे आ जाएगी तो बिल्कुल मेन पॉइंट पे शेडो दिखेगा, फिर इस साइड में चली जाएगी तो शेडो यहाँ यहाँ दिखेगा, इस पॉइंट पे आएगी तो शेडो यहाँ दिखेगा, फिर इस पॉइंट पे आएगी तो शेडो यहाँ दिखेगा। सो यू कैन सी इट कि वो दिखेगा कि शेडो इज ऑसिलेटिंग दिस वे, जबकि ये जो बॉल है एक्चुअली इट इज टेकिंग ए सर्कुलर पाथ है सच, सो ये सर्कुलर मोशन है इस बॉल का, जिसका जो प्रोजेक्शन है उसके शेडो का दैट इज ऑसिलेटिंग दिस वे, और इसका जब तक फुल सर्किल ये बॉल घूमती है वंस कंप्लीट सर्किल, तब तक ये शेडो वन एंड में जाती है, फिर दूसरे एक्सट्रीम में जाती है और फिर उस पॉइंट तक वापस आ जाती है, इसका मतलब यहां से शुरू हुआ और यहां तक आने तक ये बॉल भी यहां से यहां गई, यहां से यहां आई बिल्कुल एंड तक और फिर वापिस यहां तक आ जाती है, सो कंप्लीट वन रोटेशन में जितना टाइम लगा, तो यदि मान लो 2π एंगल है, जब आप रोटेशनल एंगल से देखोगे तो जब पूरी सर्किल घूम जाती है तो इसका मतलब 2π एंगल उसने कवर किया है और टाइम टी में किया है, सो 2π एंगल इन टाइम टी, सो 2π बाई टी शुड बी एंगुलर वेलोसिटी एज सच, सो दैट वे इन टर्म्स ऑफ एंगल यू कैन वेरी इजिली सी ऑल दिस थिंग। So this way you can see that uniform circular motion को project करेंगे किसी one dimensional sheet पे, तो you can see the oscillatory behavior of this motion। इसी को जब कैसे कैसे उसका expressions निकालते हैं, तो जब उसको देखते हो कि x component circular motion when the particle is at angle phi, that can be taken as जब certain angle is phi पे है तो उसका जो x component क्या होगा, so, cos a यदि उसका length a है उसका vector का, या उस रॉड को ऐसे उसको जोड़ रहे हो तो उस रॉड का जो लेंथ ए है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, देन उसका जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ दिस वन दैट विल बी एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर एज सच, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, दैट विल बी ए टाइम्स कॉस ऑफ फाई, सो एक्स कंपोनेंट ए कॉस फाई, वाई कंपोनेंट इधर यदि आप इस पर डालो इस पर नॉर्मल डाल दो तो इस साइड में जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी ए साइन फाइ, सो जस्ट वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं दोनों कंपोनेंट, सो आइदर इसीलिए हम कोई सॉल्यूशन हो गया तो आई कैन टेक इन फॉर्म ऑफ साइन और कोसाइन,
और जो किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे द एंगल एट एनी लेटर टाइम टी इट विल बी ओमेगा टाइम्स टी. सो फाई इन टर्म्स ऑफ फाई दिस फाई विल बी एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा देन नेचुरली दिस फाई विल बी ओमेगा टी. ओके सो ए कॉस ओमेगा टी सो आई कैन राइट ऑल्सो समथिंग लाइक कॉस ओमेगा टी. सो दिस वे इट इज इजिली कोरिलेटेड. सब आपने हो सकता है कि आपने प्लस टू में सारी चीजें रही होगी और आपने केयरफुली किया होगा तो यू माइट सी लाइक दिस. और जैसे पीछे देखा था डेमो में यदि इसको इसको टर्न होते हुए हम देख रहे हैं और इस पोजिशन पे है तो इसी को देखो थोड़ा आगे जाएगा तो इस तरफ आ जाएगा फिर यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा फिर इस तरफ आ गई तो पीछे आ जाएगा. सो यू विल सी दैट दिस बॉल शैडो ऑफ दिस बॉल दिस इज ऑसिलेटिंग दिस वे फ्रॉम दिस पॉइंट. यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो इस पॉइंट से एक एक्सट्रीम यहाँ होगा दूसरा एक्सट्रीम यहाँ होगा. सो एट दिस एक्सिस यू विल फाइंड दिस इज ऑसिलेटिंग दिस वे. हाउएवर उसी का एक्स्ट्रा पोजिशन जो है यू कैन सी दैट दिस इज ए काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन एज सच. ओके और तो उसका एक्सेलरेशन जब जब निकालोगे जैसे आपने निकाला होगा सो दिस विल और ओमेगा इज वेरी जब लिनियर फ्रिक्वेंसी को आप एफ लिखते हो तो ओमेगा जैसे आपको पता है वन बाई चूंकि टू पाई बाई टी है और वन बाई टी इज एफ फ्रिक्वेंसी सो इट विल बी ओमेगा बाय टू पाई मल्टीप्लाइड बाय लिनियर फ्रिक्वेंसी एज सच. सो टू पाई एफ और टू पाई न्यू कई जगह न्यू से लिखते हैं तो यू कैन राइट न्यू और एफ दैट. So therefore, the particle x component can be expressed as x is a function of t, and that will be a, the maximum amplitude multiplied by cos of 2 pi f t, or 2 or a cos omega t as such. This is the same equation for the position of mass on a spring. So you can see that the x component or y component, both x hoga cos ke form mein. So x t will be a cos omega t and y t will be a sin omega t. So both x component and y component of a particle in uniform circular motion is a it gives simple harmonic motion as such. So very easily you can see all these things or rather understand properly. So this way aap uske jo अपोजिट साइड में और सारी चीजें आप वो निकाल के यू कैन डू ऑल. जब वेलोसिटी निकालना होगा तो ऑफ कोर्स आप इसको जो यदि x है तो वेलोसिटी विल बी डी एक्स बाई डी टी. तो डी एक्स बाई डी टी करोगे तो a और cos ओमेगा t का जो टू चूंकि टू पाई एफ टी है तो टू पाई एफ जो है ये बाहर आ जाएगी दिस वन और चूंकि cos है तो माइनस हो जाएगा तो माइनस उसका जो इंटीग्रेट करोगे डिफरेंशिएट करोगे दैट विल बी साइन ओमेगा टी और साइन टू पाई एफ टी और जो एक जो मल्टीप्लायर जो इसके अंदर था वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा माइनस टू पाई एफ ए साइन टू पाई एफ टी और माइनस ओमेगा ओमेगा है ना टू पाई एफ इज ओमेगा सो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी. सो दिस विल सो आप देखोगे जब जब उसका पिक होता है डिस्प्लेसमेंट का पिक कॉस है तो जहां उसका पिक होगा वहां इसका जहां कॉस मैक्सिमम है कॉस इज वन वहां साइन जीरो होती है इसका मतलब वहां वेलोसिटी जीरो होगी. तो जो पीछे आपने डेमोन्स्ट्रेशन में देखी थी दैट प्रूव्स दैट इज सब्सटेंशिएटेड और दैट हैज बीन वैलिडेटेड बाई दिस इक्वेशन के दोनों जहां वहां मैक्सिमा है उसका इसका मिनिमा है. And maximum value of velocity will be always omega times maximum amplitude. So omega a or 2 pi f a, that will be maximum value of this one. Sine, because the value is sine can take its maximum value 1. So it will be maximum will be 2 pi f a and minimum with the opposite angle will be the minus of this. So it oscillates, let's say displacement will be minus a say, प्लस ए से माइनस ए तक जा रही थी मेन पॉइंट के दोनों तरफ मैक्सिमम. दिस वे इवन जो दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एंड दिस इज वेलोसिटी मैक्सिमा एज सच. सो वेलोसिटी में मैक्सिमा इज टू पाई एफ ए और ओमेगा ए एंड मिनिमा इज माइनस ओमेगा ए. सो अपोजिट में दिस वे यू कैन फाइंड आउट ऑल दिस रिलेशंस एज सच. सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए क्या क्या करेंगे. एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. So again integrated, differentiated. So dv by dt.
अगेन इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये साइन का फिर से कॉस हो जाएगा एंड देन यू विल फाइंड दैट जो 2 पाई एफ फिर से बाहर आ जाएगी, सो 2 पाई एफ और ओमेगा, सो ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए कॉस 2 पाई एफ टी, और ए कॉस 2 पाई एफ टी उसका एम्पलीट्यूड था, सो दैट वे यू कैन सी दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 2 पाई ओमेगा स्क्वायर एंड देन एक्स, जो भी एक्स का जो वैल्यू होगा, जो उस समय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा स्क्वायर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ऑलवेज एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, अगेन कॉस का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर ए, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज ओमेगा स्क्वायर ए. सो for any simple harmonic motion, if you know the amplitude and frequency, the motion is completely specified. This is the crux of our outcome of this consideration as such. So, जब भी आप किसी simple harmonic motion को describe करना चाहते हो, then graphically you will be plotting the position with time, and you should show that this takes a sinusoidal form. If the cos ke form mein hai, toh zero time pe maxima se shuru hogi. Then it will vary like this. Jahan iska maxima hai, velocity ka minima hoga. So that way it will be varying like this. Velocity and acceleration opposite minus sign ke saath uska maximum tha. So acceleration lagbhag usi type ke form lega jaisa position ka tha. But minus omega square x tha. इसलिए ये अपोजिट साइड में उसका जो ए मैक्सिमम होगा, दिस इज नॉट ऑन ए स्केल, थोड़ा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है तो ये थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन हमने सिर्फ उसको क्वालिटेटिवली दिखाने के लिए इस पे किया हुआ, थोड़ा सा साइज बड़े होंगे, सो यू कैन ड्रा एंड सी कि एग्जैक्टली क्या होगा, इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड यू विल सी दैट जितना ए है ये मैक्सिमम ओमेगा टाइम्स ए होगा, यदि ओमेगा 1 है तब तो ये सेम साइज होगा दोनों का, यहाँ पे जैसे दिख रहा है तो लग रहा है कि ओमेगा इज 1, बट यदि ओमेगा 1 से ज्यादा है और कम है तो उस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी चेंजिंग, सो यू कैन से ये जो प्लॉट है पोजीशन का, दैट इज एक्स टी इज ए कॉस ओमेगा टी, वी टी इज माइनस वी मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका आपने पीछे देखा ना, वी मैक्स इज 2 पाई ओमेगा ए, सो ये जो सफिक्स थी ओमेगा ए थी, देयरफॉर यू कैन राइट इज वी एक्स टी इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस ऑफ वी मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड एक्सेलरेशन विल बी अगेन जैसे पीछे आपने देखा है दिस वन स्क्वायर ऑफ दैट, सो इसका मैक्सिमम वैल्यू इज दिस वन, सो यू विल सी दैट दिट विल बी ए मैक्सिमम माइनस ए मैक्सिमम और एक्सेलरेशन के मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ ओमेगा टी, सो दिस पे दिस इज देयर सॉल्यूशन एंड दिस इज देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सो यू हैव टू इफ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब कंप्लीटली ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूजुअली यू आर आस्क्ड टू प्लॉट दीज ग्राफ्स, अदर देन दिस वी कैन ऑल्सो प्लॉट एनर्जी ग्राफ एंड ऑल दिस थिंग्स, बट प्राइमरी कंपोनेंट इज द पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इफ आई नो वेलोसिटी आई कैन plot the kinetic energy. If I know the position, I can plot the potential energy that way. So, energy ka bhi plot kiya ja sakta, but primarily, you have to plot these three things. Position, velocity and acceleration as such. So, somebody is asking like that a mass oscillates in horizontal spring, its velocity is Vx maximum. The spring exerts force Fx at the time indicated by the arrow. Somebody is asking कि इसका Vx is positive A पे, इस point पे you can see that Vx is positive and Fx is positive B point पे, जहाँ पे इस point पे पूछ रहे थे arrow, यदि मान लो किसी ने इस point पे आपसे पूछ दिया कि यहाँ पे जहाँ पे arrow लगा हुआ है कि इस पीछे चारों में से कौन सा true है, you should be able to tell कि इस पे क्या है, कौन सा positive है, कौन सा negative है, कौन सा zero है, जैसे वेलोसिटी क्या होगा, इनफ्लक्स पे है, टॉप पे है, तो यू शुड गेस कि यहाँ पे
क्या होना सही चाहिए कि वेलोसिटी जीरो होगा, ये एक चीज तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक चीज आ जाएगी जीरो वाला, इसका मतलब एसी दोनों ऑप्शन में से कुछ है, एंड फोर्स विल बी पॉजिटिव बिकॉज नाउ इट इज एक्सेलरेटिंग अगेन. ओके सिमिलरली इस पॉइंट पे पूछे कि यहां पे क्या है, अगेन यू कैन से कि यहां पे अब क्या होगा, नेचुरली गेस इट दैट vx शुड बी नेगेटिव एंड fx विल बी जीरो एट दिस पॉइंट. सो किस पॉइंट पे फोर्स क्या है, क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज सम एक्सेलरेशन पार्ट उसका, तो उस पॉइंट पे उसमें एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन जहां जीरो होगा वहां फोर्स जीरो हो जाएगी, जहां वेलोसिटी जीरो होगी उस पर वेलोसिटी वाली जीरो. तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन इजिली गेस फ्रॉम द ऑल दीज कर्व्स. ओके सो सम ब्लॉक ऑसिलेट्स इन वर्टिकल स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ऑसिलेशन, इट्स एक्सेलरेशन इज व्हाट, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, यू कैन प्रेडिक्ट ऑल दीज थिंग्स. सिमिलरली आपको SHM को जो देखने के लिए आप घर में, जिनके भी घर में आपके पास यदि माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव में जो अंदर की प्लेट होती है दैट प्लेट सर्कुलरली मूव करती है. जब भी माइक्रोवेव को ऑन करोगे तो दैट प्लेट स्टार्ट्स इन ए सर्कुलर मोशन. तो उसमें एक कप रख दो या कोई ऑब्जेक्ट डाल दो उसके उसके एज पे किसी पॉइंट पे, और उसका शेडो देखने की कोशिश करो कि कैसे मूव कर रहे. तो जब वो सर्कुलरली मूव करेगा, जब प्लेट पे जो आपका कप रखा हुआ है उसके नीचे कंटेनर के प्लेट पे, वो प्लेट जब सर्कुलरली मूव करेगी, इसका मतलब कप तो सर्कुलर मोशन में है, समाओ उसका जब शेडो को ठीक से आप उसको हॉरिजॉन्टली आई उसके सामने डाल के देखोगे, तो यू वेरी इजिली सी कि ऑल दो कप इज इन सर्कुलर मोशन, हाउएवर इसका जो लेफ्ट टू राइट जो मूवमेंट है, you can beautifully see it oscillating all the time. So you can verify, jiske ghar mein ek microwave hai, you can try yourself that how this circular motion and oscillation is motion is related as such. ek us jis book se maine Pearson ki book se liya tha, usme ek story diya hua hai, the John Hancock Center in Chicago is 100 story high. Strong winds can cause the building to sway, thereby hila sakta hai. As in case with all tall building hota hai, jab wo kuch hawa chalti hai to kuch kuch us pe kafi thrust hota hai aur wo jhuk sakta hai. So the on particular windy days, it says that top of the building oscillate with a amplitude of 40 centimeter and a period of 7.7 second. What are the maximum speed and acceleration of at the top of the building? यदि निकालने के लिए दे दे तो यू विल बी इजी टू, आप निकाल लो फ्रिक्वेंसीज की क्या होगी, 1/T हो जाएगी, उससे कितना हर्ज होगा वो आप निकाल लोगे, एंड देन यू कैन फाइंड आउट बी मैक्स विल बी 2πfA. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी आपने निकाल दिया, सो 2π टाइम्स 0.13 हर्ज मल्टीप्लाई बाय 0.43 मीटर, सो दैट विल बी 0.33 मीटर पर सेकंड विल बी मैक्सिमम velocity as such. Similarly, acceleration, that will be omega square, so 2π 0.13 hertz uska square multiplied by a 0.40 meter, that will be 2.27 meter second square. So this way, in terms of free for acceleration, the maximum acceleration is mx will be this much. So, ये चीजें कुछ एग्जाम्पल्स थे. सिमिलरली यदि 5 kg मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन स्प्रिंग पुलिंग द मास डाउन बाय देन एडिशनली, ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम आमने सामने होते थे चीजें हम आपसे शायद करवाते. सो व्हेन आई एम पुटिंग ऑल दिस इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर सपोज टू सॉल्व ऑल दिस थिंग एंड ट्राई फर्स्ट फाइंडिंग आउट दो सोल्यूशन योर सेल्फ विदाउट गोइंग द बुक्स एंड ऑल दिस थिंग्स. पहले खुद ही ट्राई करना चाहिए, देन दैट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एज सच. सिमिलरली जो मैंने कहा था, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, देन आई कैन डिराइव ऑल अदर कंपोनेंट समथिंग लाइक जैसे इनर्जी. देन द नेक्स्ट कॉल कम्स दैट फाइंड आउट द एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एज सच.
And you can, if you have carefully seen the plus one, plus two books, ये सब प्लॉट आपने देखे होंगे कि किस पॉइंट पे, जैसे एक्सट्रीम एंड पे होती है कोई कोई पेंडुलम ही है, मान लो स्प्रिंग पेंडुलम है या आपका एक नॉर्मल पेंडुलम है, तो जब एक्सट्रीम एंड पे होता है तो एक्सट्रीम एंड से वापस जब आती होती है, इसका मतलब वहां पे वेलोसिटी जीरो होना पड़ेगा। तो वहां यदि वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, वो भी जीरो हो जाएगी, लेकिन उस पॉइंट पे कंप्लीटली जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होना चाहिए। एट दिस पॉइंट यू कैन सी एट एक्सट्रीम पॉइंट एनर्जी प्योरली पोटेंशियल, और बिकॉज काइनेटिक वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए, तो उसका इस टर्निंग पॉइंट पे इट शुड बी प्योरली एज ए पोटेंशियल एनर्जी। उसे सेंट्रल पॉइंट पे यू विल फाइंड दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी ऑलवेज जीरो एंड इट विल बी टोटल एज ए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू। फिर एक्सट्रीम एंड पे इट विल बी अगेन जैसे शुरुआत में था, ऑल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो। However, एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, तो दोनों किसी भी पॉइंट पे सम टोटल ऑफ बोथ, यहाँ पे ये जीरो है और ये मैक्सिमम है, तो इतनी ही एनर्जी थ्रू आउट होनी चाहिए। किसी पॉइंट पे जब दोनों को ऐड करोगे देन एडेड काइनेटिक एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी शुड बी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड दैट शुड बी कॉन्स्टेंट। सो दैट इज स्ट्रेट लाइन, दैट शुड बी ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो यू नो ऑल दिस थिंग्स by basic concept that energy should be conserved, and यदि मान लो वहाँ kinetic energy नहीं है तो potential energy इस form में होगा, लेकिन energy की value fix होगी। So that way this was your graph, and this is just to recall that इस graph का क्या होगा। तो so naturally जो इन जो भी मैंने पीछे कहा, for a mass on a spring when the object is at the rest potential energy maximum and kinetic energy is zero. At the equilibrium position the kinetic energy is maximum, the potential energy is zero. So that inference जो पीछे हमने लिया था, उसका format होता है, that is यदि spring के केस में ले जहाँ k है, so आपको पता है कि वो जब उसको निकालोगे x का है value, then you must have derived these things in your 10 plus 2 10 plus 1. That maximum that potential energy is given in form of equal to half kx square, and the conservation of energy or the kinetic energy will be always half mass of the ball times v square, so half mv square, so half mv square plus half kx square, ये दोनों का summation it should be always constant. Hopefully कि आपको ये चीजें निकालने आता होगा, और जो इसकी जब kx square है तो मैक्सिमम वैल्यू जो उसका होगा जो कि टोटल एनर्जी होनी चाहिए, जिस कंडीशन में मैक्सिमम एनर्जी ऑफ यू मैक्स इज आल्सो इक्वल टू टोटल एनर्जी, सो यू मैक्स विल बी एक्स का वैल्यू जो मैक्सिमम है दैट कैन बी ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सो इट विल बी यू मैक्स विल बी हाफ के स्क्वायर। ओके, सो इन दैट केस यू कैन सी दैट ई मैक्सिमम एट एक्सट्रीम एंड जहां एक्स इज प्लस माइनस ए, that will be u max half k square. At x is equal to zero, this will be kinetic energy as such, and then it will be half m v max square. So v max ka value aapko pata, you can put there and you can find out ki uski value kya hogi. So uski bhi conservation of energy says ki wo dono same hona chahiye. So that way you can equate. बिकॉज जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर होना चाहिए, तो इस आइडिया को जब इक्वेट करोगे देन यू कैन फाइंड आउट कि जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट और मास के टर्म में हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। इक्वेटिंग दीज टू आई कैन फाइंड आउट वी मैक्स विल बी रूट अंडर के बाई एम टाइम्स ए, और पीछे आपने निकाला था कि वी मैक्स इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा ए और टू पाई एफ ए। Therefore, if I am putting this Vmax, I am putting back here, I can find out even frequency and time period. So, vice versa, जैसे मुझे जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी, I can use that.
सब एक दूसरे से correlated है, and this way I can even find from energy equation I can find out what will be value of frequency and time as such. So इसमें जैसे है कि स्प्रिंग है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उस अपने 100 ग्राम का वेट जब उस पर डाला तो वो 15 सेंटीमीटर का हो गया, स्ट्रेच होकर के 200 का डाला तो 20 हो गया. उस कंडीशन में कहता है सेट ऑफ स्प्रिंग ऑल हैड इनिशियल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ईच स्प्रिंग नाउ हैज ए मास सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड एंड द डिफरेंट स्प्रिंग स्ट्रेच एज सून बिलो. एक में जब 100 ग्राम डाला तो 15 सेंटीमीटर हो गया, 200 ग्राम डाला तो 20 सेंटीमीटर वो स्प्रिंग हो गया, थर्ड में डाला 100 तो 12 सेंटीमीटर हो गया, फोर्थ में डाला 200 ग्राम तो 15 सेंटीमीटर हो गया. तो यदि इच मास इज पुल डाउन बाय एन एडिशनल 1 सेंटीमीटर रिलीज सो दैट इट ऑसिलेट अप्स एंड डाउन, व्हिच ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. यदि आपको पूछ दिया जाए तो आपके पीछे जो आपने निकाला है, पहले तो आपने जब सबको डाला तो आपने देखा है कितना वेट डालने के बाद कितना स्ट्रेच हुआ है, दैट विल गिव आइडिया कि उसका के कितना है. फोर्स सेम 100 ग्राम आपने डाला, फोर्स एम जी दैट इज सेम, तो के एक्स यदि डिस्प्लेसमेंट कम हुई है तो इसका मतलब के ज्यादा है, यदि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुई है तो के कम है. So by using that trick, जो पीछे का कल भी हमने यूज किया था, using that concept, you can answer all these things, कि इसमें क्या होगा और किसका के ज्यादा होगा, और जो फ्रिक्वेंसी के रिलेशन निकाले हो, एम तो फिक्स, जहां दोनों का एम फिक्स है, जिसमें उस कंडीशन यू कैन से यदि के ज्यादा हो तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगा, टाइम कम होगा, वैसे ही यदि के कम हो तो फ्रिक्वेंसी कम होगा. So that because mass तो एक जैसा मास है तो k पे डिपेंड करेगा. So that way you can answer this. So you will see that this one will have the maximum frequency. इसका k maximum होगा. So if k maximum होगा तो frequency भी maximum होगा. Two identical blocks are select on different horizontal spring. Which spring has the larger spring constant? इस केस में आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि क्या रेड स्प्रिंग का ज्यादा है या ब्लू स्प्रिंग का ज्यादा है, या आपको इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है. सो दैट वे यू कैन से दैट फ्रीक्वेंसी इज रूट अंडर के, तो जिसका भी के ज्यादा होगा उसका, तो जिसमें भी ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी, इसका आप देख रहे हो कि इसकी टाइम पीरियड कम है रेड वाले का, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका मतलब के भी उसका बड़ा है. So that way you can do all this. A block of mass m oscillates on a horizontal spring with a period t. If a second identical block is glued to the top of first block, the new period will be how much? Because time period is proportional to root under m by k, inversely proportional to root under k, and directly proportional to root under m. So you can find it out that jiska mass zyada hoga, uska zyada hoga as such. So by using these relation you can find it out frequency of simple harmonic motion as such. Ye practically you can use all these things. Block oscillates on a very long horizontal spring, the graph shows the block's kinetic energy as a function of position. What is the spring constant as such? It's graphs, and now graphically we have to learn everything. Maximum value jo hoga वो कितना होगा, स्प्रिंग को कांस्टेंट क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू की कितना आई थी, हाफ के स्क्वायर, इससे आप निकाल सकते हो. और यहाँ जो एक जो इसका टोटल एनर्जी का वैल्यू है दैट इज 8, सो 8 विल बी हाफ के स्क्वायर, एंड यू कैन सी कि हाउ मच इट इज मूविंग मैक्सिमम 2, सो 2 हाफ एंड you have got the maximum value of 2, so you can find it out ki iska kya hoga. So it will be 4 nanometer newton per second. Mass oscillates in the horizontal spring with a period of 2 seconds. Ye sab kuch example I am running out, usme
जस्ट चेक इट आउट कि इसके क्या क्या सब पॉसिबल आंसर्स हैं, एंड जो एक सो समराइज करोगे तो बिकॉज इट हैज बीन गिवन व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिस शुड यूज व्हाइल सॉल्विंग द ऑसिलेशन प्रॉब्लम्स, एंड देन यू कैन सी दैट इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स। ये चीजें सब कल ही जैसे कहा था कि जब भी ऑसिलेशन की बात आती है ऑफकोर्स मेन कल्प्रिट मेन कंपोनेंट इज हुक्स लॉ का जो रिस्टोरिंग फोर्स है। If the net force acting on a particle is a linear restoring force, the motion is simple harmonic motion around the equilibrium position. This is the first inference you have found from the all this discussion. The position, velocity, and acceleration as a function of time are given. जैसे पीछे जब हमने वो graph plot किया था synthesis 14.1, the equation is given in terms of x, but they can be written in terms of y or some other variable if the situation calls for it. There is no binding as such. This is a tactics. Whether I am यदि मैं y के form में है तो sine के form में चलेगा उसका solution, x के form में तो cos के form में चलेगा, और जैसे कल बताया था कि sine cos में क्या फर्क होता है, it's just 90 degree phase difference. Cos some theta plus 90 degree will be sine theta as such. So that way जहां हमें एज ए इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जहां मुझे जो सूट करता है आई कैन चूज दैट। द एम्पलीट्यूड ए इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, द मैक्सिमम स्पीड एंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन आर गिवन। पीछे जो हमने सिंथेसिस में दिया है वो ख्याल रहना चाहिए। द फ्रीक्वेंसी एंड हेंस द पीरियड 1/f डिपेंड्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पर्टिकुलर ऑसिलेटर, बट f डज नॉट डिपेंड ऑन ए, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। फॉर ए मास ऑन ए On a spring, the frequency is given by 1/2 pi root under k by m. The sum of potential energy plus kinetic energy is a constant. As the oscillation proceeds, energy is transformed from kinetic into potential and vice versa. Back again. जब वो चलती रहेगी तो एक extreme point पे आपने देखा कि potential energy will be maximum, kinetic energy will be zero. Center point पे equilibrium पे kinetic energy will be maximum. And potential energy will be zero. Again, जब दाई तरफ जाएगा तो it will be repeating the same thing as such. So, a mass oscillator ups and down and on a spring, the motion is illustrated right, जैसे इसमें पीछे दिया हुआ है और कुछ आपको results दिए हैं उसमें से आपको at which time the time shown in the acceleration zero, तो आप A, B, C, D सब दिया हुआ है, तो A, C, E पे एक्सेलेशन जीरो है, एट विच टाइम और टाइम जोन इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर ए सी ई पे ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, एट विच टाइम और टाइम्स जोन इन द पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, सो बी और डी पे मैक्सिमम होता है। वैसे ही ये भी एक एग्जाम्पल है, फोर डिफरेंट मासेस आर हंग फ्रॉम द स्प्रिंग विद अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर कॉजिंग द स्प्रिंग टू स्ट्रेच एज नोटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। और उस कंडीशन में आपसे पूछा, नाउ इच मास इज पुल्ड डाउन बाय एडिशनल 1 सेंटीमीटर एंड लेट्स शो दैट इज ऑसिलेट्स अप ट्रेंड डाउन, व्हिच ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हमने पीछे शायद किया था। सिमिलरली ये भी एग्जांपल है, जस्ट डिफरेंट जो चार मास को अलग अलग ऐड किया है, इसमें कुछ चीजें पूछी है उसको भी आप कैन चेक ऑल दिस थिंग्स। फाइंडिंग द ऑसिलेटर ये भी एक प्रॉब्लम है, आप जस्ट गो थ्रू दैट एंड जस्ट फाइंड इट आउट उसका क्या सॉल्यूशन हो। जैसे पीछे वाली है उसको इसमें सॉल्व करके दिखाया है कि क्या होगा, सो यू कैन यूज ऑल दिस थिंग्स। दिस इज जस्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ ऑल दोस प्रॉब्लम्स, इट इज अप टू यू, आई जस्ट गिविंग यू टू सी ऑल दिस थिंग्स। सो it should not be just listening all these things, but by the end of lecture you must try to find out certain kind of solutions there. So I believe that pata nahi aap log kuch kar rahe ho ya nahi kar rahe ho, but you should be doing all these things. Actually I wanted to show you one website where
Let me see if it is available. My net is working okay. So this one, let me share. Share the screen, this one. So this screen may be sharing. Okay, so see, Colorado University in USA, they have a very good platform for simulations of different things. PHET, it gives, if I'm going like what they do, Malo, आप एक मैनुअली ये चीज आपने किया होगा किसी एक धागे को एक इंच से कोई कोई बच्चा पकड़ ले और दूसरे इंच से उसको आप पुल करो दिस वे इफ यू आर पुलिंग लाइक दिस वे ये सब आपने कुछ खेला होगा दिस वे तो मैनुअली ये सब चीजें आपको ऑनलाइन अवेलेबल है चीजें जो जो मैं देख रहा हूँ कि मैंने लेकर यहाँ पे जा रहा एक बार ऐसे कर दिया था एक पल्स गया और रिफ्लेक्ट होकर वापिस आ रही है और यदि डैम्पिंग है तो वो डाई डाउन हो रही है बट यदि डैम्पिंग नहीं होती तो इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग दिस वे सो मैनुअली आपने ये सब बच्चों ने मे बी आई होप कि आप लोगों ने सब कम से कम रस्सी पकड़ के कुछ सब जरूर खेला होगा सो कोई पल्स है एक पल्स उसमें जनरेट होती जैसे मैनुअली किया तो ऐसे वो पल्स जनरेट होती रहेगी तो उसको डैम्पिंग को बिल्कुल जीरो कर दो तब आप देखोगे कि जो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ठीक है जो आप देख रहे हो कि मैं यदि पल्स विड्थ बढ़ाना चाहूं बढ़ा दूं एम्पलीट्यूड को बढ़ा दूं ऑल दिस थिंग्स आई कैन सिमुलेट देयर सो यू कैन सी डैम्पिंग अगर जीरो है तो लगातार वो ऑसिलेट हो रहा है मैं डैम्पिंग को बढ़ाऊं तो डाई डाउन हो जाती है डैम्पिंग हाई हो गया तो इट विल डाई This way. देखो डैम्पिंग बढ़ाओगे इट विल बी डाइंग डाउन डैम्पिंग नहीं है तो इट विल कीप ऑन रिफ्लेक्ट होने के बाद भी आती है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स दिस वे सिमिलरली टेंशन में घटा दो डू इट जीरो क्या हो रहा है देखो जैसे टेंशन कम है तो क्या होगा टेंशन भी हाई है तो क्या होगा यू कैन पुट अप द रूलर एंड ऑल दिस थिंग टाइमर एंड यू कैन सी reference lines so all this tension bhi badh gaya to kya hoga tension ghat gaya to kya hoga damping zero hai to kya hoga so all these things you can do the oscillation type of things so all these are the beautiful demonstrations they are so you can see ke resonate hota hua dikh raha hai pressure to badh rahi hai so that way the tension aap isko kam karo डैम्पिंग कम करो बढ़ाओ घटाओ सो दिस वे टेंशन को बढ़ा दो कुछ ऐसी चीजें डैम्पिंग को बढ़ा दो सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी सो दिस वन आई जस्ट टुक वन थिंग यदि लूज एंड होती है तो कैसे ऑसिलेट करेगा यदि कोई एंड ही नहीं है तो कैसे ऑसिलेट करेगा सो सम ब्यूटिफुल थिंग्स देयर सो बेसिकली दिस PHET This education, this is a very good site as such. Maybe आपके और भी मतलब की चीजें मिले and you can see that this PHET free online physics, chemistry or all these things, interactive simulation for science and math. Chemistry का भी है so physics, chemistry, math, earth sciences, biology, जिसको जिसमें interest हो billions of oscillation simulations are there right now like in physics if you can see any kind of yahi nahi jo aapke syllabus mein ya aapke isi course mein jo cheeze hain uska koi bhi uthaoge kisi ka oscillate karke dekhna chahoge then you can use all these things jaise aap main abhi motion ke case mein tha to I can remove all these things इसमें देखो देखें कि एनर्जी एट द पीक स्टेट जो अभी हम एनर्जी का देख रहे थे उसका सिमुलेशन हम देखना चाहें या जो इन चीजों को यदि मैं इसको सिमुलेट करूं तो ये सब चीजें फॉर्चुनेटली आप लोगों के जमाने में हर चीज है तो यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स सो
आप ये सारी चीजें कर करके आप यदि इसको जब आप करके कुछ देखोगे, फ्रिक्शन है नहीं है, पाई चार्ट और दिस थिंग्स, आपका एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में देखो या कुछ भी, ये चीजें यदि हाइट आप इसको चेंज करोगे, सो ऑल दीज एक्सप्रेशन इज स्लो स्पीड में आप इसको करो, इसको चला के देखो, यदि ये स्केटर को डाल दिया, नाउ इट इज गोइंग अप एंड डाउन द बे, इज स्केटिंग, तो फ्रिक्शन यदि कम है तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो ग्रेविटी बढ़ जाए, घट जाए तो क्या होगा, तो ऑल दोज एनर्जी यू कैन सी दैट हाउ इट इज, जिसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ऊपर से आए, तो दिस में एक्सट्रीम पे क्या हो रहा है, एनर्जी इज टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, बट यदि फ्रिक्शन है तो थर्मल एनर्जी भी है, फ्रिक्शन को मैं जीरो कर दूं, देन यू विल सी क्या होगा, सो ऑल दिस थिंग्स, यदि काफी फ्रिक्शन हो या चीजें हो, ग्रेविटी को आपको आप कम कर दो, ग्रेविटी को बढ़ा दो, मास को बढ़ा दो घटा दो, तो इस तरह से काफी चीजें हैं जो यू कैन, यू विल लव टू सिमुलेट ऑल दिस थिंग्स, सो देयर लॉट ऑफ सिमुलेशंस देयर, सो यू कैन सी दैट किसी भी चीज का, मैं तो स्केट का था या कुछ और भी चीज जैसे आप देखना चाहोगे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, इन चीजों पे बहुत सारे सिमुलेशंस है, तो होपफुली कि आप लोगों को फिजिक्स का या जो जो पसंद है तुम्हें, नॉट एसेंशियली, जब मैं व्हेन यू आर डूइंग बेस कोर्सेज इंडक्शन प्रोग्राम, यू आर नॉट बाइंड विद द टॉपिक्स आई एम टीचिंग, बट एनी टॉपिक यू कैन टेक अप एंड ट्राई टू सी इट्स ए कंप्लीट पिक्चर, इट्स थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी, डूइंग सम सिमुलेशंस ऑफलाइन ऑनलाइन, घर पे जो चीजें हो जहां से जो मिले, यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, नथिंग लाइक दैट कि मुझे चूंकि मेरे कुछ सिलेबस में ऐसा था या ये चीज बताया गया था वही करे, ऐसा कुछ नहीं है, सो जैसे आप एक जो दिखा रहे हैं बिल्डिंग एन एटम, सो तुम्हें यही पसंद आता है कि मैं एटमिक स्ट्रक्चर के बारे में ही देखूं कि कैसे बिल्ड होती है, क्या है वो भी देखना, तो सारी चीजें इसमें है, सो देयर इज लार्ज नंबर ऑफ ब्यूटीफुल सिमुलेशंस एज सच, सो किसी भी चीज का आप देखोगे उसका तो कैसा एटम है, क्या है, इन चीजों का कहाँ पे क्या है, ये चीजें आप देख सकते हो कि वो कैसे बनती है, मॉडल क्लाउडिंग, क्लाउड करना, मॉडलिंग करना, मान लो प्रोटॉन को ले जाके यहाँ रख दिया, इसी इलेक्ट्रॉन को ले जाके रखा, कुछ भी जो ट्राई करोगे क्या हो क्या रही है, नॉट नेसेसरी कि हाँ वो एग्जैक्टली कैसा हुआ क्या हुआ, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ लर्निंग एनीथिंग, तुम लोग गेम खेलते हो तो चूज ए गेम, यू कैन प्ले लाइक समथिंग दैट, यू कैन डू सम एटमिक मॉडलिंग, सिंबल के बारे में कुछ पढ़ना है तो यू कैन डू दैट, यू कैन प्ले सम काइंड ऑफ गेम्स, काफी चीजें ऐसे दिया हुआ है जो कि इट मेक्स इंटरेस्टिंग, सो डू ऑल दिस थिंग्स एंड एंजॉय, सो आई विल क्लोज नाउ टूडेज टॉक एंड होप दैट यू शुड विजिट द कोलोराडो यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यूज दैट PHET सिमुलेशंस, कोई और भी बहुत सारे हैं इंटरनेट पे, बहुत सारे सीरीज ऑफ सिमुलेशंस आर अवेलेबल एंड एनीबडी कैन एंजॉय अबाउट दिस, ओके सो थैंक यू, सी यू टुमारो।